दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने आपके टेस्ट अव्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? इस सवाल का सही आंसर है 1 जनवरी 2022 तक। हमारा अगला सवाल है, पंजाब राज्य की कांग्रेस पार्टी के किस अध्यक्ष ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने किस बोर्ड को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है? इस सवाल का सही जवाब है डेयरी फार्मिंग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सी के रंगानाथन को किस संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में सी के रंगानाथन को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाले पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारा अगला सवाल है, सानिया मिर्जा एवं उनकी चीनी जोड़ीदार यांग शुई ने किस टेनिस डबल्स खिताब को जीत लिया है? इस सवाल का सही जवाब है ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब। हमारा अगला सवाल है, हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नासा ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? हाल ही में नासा ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? इस सवाल का सही जवाब है स्विट्जरलैंड।